हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त अभी गोवा में हूँ और मैं अपनी समर वेकेशंस बिताने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ गोवा के, तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी इसको, तो आप लोग वेट करें मेरे गोवा ब्लॉग के लिए। और आज मैं रिव्यू करने के लिए जा रही हूँ सेटाफिल का जेंटल क्लिनजर एंड सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मैं पहले रिव्यू करूँगी सेटाफिल जेंटल स्किन क्लिंजर। आप देख रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की एक बॉटल की है, जो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी है एंड ट्रेवल फ्रेंडली है। इसको हम कहीं पे आराम से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। इसके ऊपर में एक कैप है, इसको ऐसे फोल्ड कर हम इसे ऐसे निकाल के यूज़ करेंगे। ये 217 रुपीज़ की है एंड 217 रुपीज़ में 125 ml है। इसके पीछे इन्ग्रीडियंट्स लिखे हैं, ये पैराबेन फ्री नहीं है। पैराबिन एक प्रिजर्वेटिव होता है जो फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। इससे हमारी स्किन को थोड़ा हार्म होता है, पर फिर भी ये बाकी सारे बहुत सारे फेस वाश से बेटर है, अच्छा है बहुत ये। और इसके पीछे मेंशन किया हुआ है कि ये पीएच बैलेंस्ड है। पीएच बैलेंस्ड मतलब हम जब अपने फेस को धोते हैं तो हमारा पीएच बैलेंस बिगड़ता है, इसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई या ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए हमें टोनर लगाना पड़ता है। तो अगर हम ये क्लिंजर यूज़ करते हैं तो टोनर लगाए बगैर हमारा काम चल सकता है। दूसरी बात है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है। अगर कोई भी स्मेल होता है तो वो हमारी स्किन को इरिटेट करता है, भले ही हमें वो स्मेल करने में अच्छा लगता है, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन वो हमारी स्किन को इरिटेट करता है। तीसरी बात है कि ये नॉन कोमेडोजेनिक है। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब है कि वो हमारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है, ओपन रखता है। पोर को के ब्लॉक होने से हमारे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पोर्स को ये ब्लॉक नहीं करता है। चौथी बात है, इसके अंदर लिखी हुई है कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। तो बहुत सारे लोग इसको देखकर ये सोचते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट हमें रिकमेंड करेंगे तो ही हमें इसे लगाना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कि अगर आप इसे हम नॉर्मल फेस वॉश की तरह दिन में सुबह शाम या जब भी आपको लगे कि फेस वॉश करना है तो इसको हम फेस वॉश कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, उन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, तो इसे लड़के या लड़की सभी कॉमन रूप से यूज़ कर सकते हैं। और फेस वॉश के बाद अगर हम चाहें इसे क्लिंजर की तरह यूज़ करना, तो हम क्लिंजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर है। अगर आपका मेकअप वाटरप्रूफ भी है तो इसे एक कॉटन में लेकर ऐसे स्वैप करने से लिपस्टिक या कुछ वो भी हट जाता है। इसे हम विथ वाटर एंड विदाउट वाटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। विथ वाटर मीन्स अगर हम थोड़ा सा इसे पी ड्रॉप जैसा ले लें और फेस पे थोड़ा मसाज करके वॉश कर सकते हैं पानी से, या अगर हमें पानी यूज़ नहीं करना है तो किसी कॉटन या टिश्यू पे लेके हम थोड़ा एक वन ड्रॉप डालकर अपने फेस पर स्वैप कर सकते हैं। इसका टेक्सचर जो है वो जेल बेस्ड है और ज़्यादा फोम नहीं करता है, ज़्यादा लेदर नहीं करता है फेस को, और लगाने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। मेरे पास जो भी ये है ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, लेकिन इसके काफ़ी सारे अलग अलग स्किन टाइप के लिए बहुत सारे अलग अलग क्लिंजर हैं, जैसे नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन, सभी के लिए अलग अलग है। तो आप अपनी स्किन टाइप देखकर परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हो सकता है कि आपको ना मिले किसी भी स्टोर में, लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इक्वली सभी स्किन टाइप के लिए जो इनके अलग अलग क्लिंजर हैं वो सभी पर इतने ही फ़ायदेमंद हैं, सब ऑयली स्किन के लिए हो या ड्राई स्किन के लिए हो। ऑयली स्किन के लिए वो उसका ऑयल निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल निकाल कर ड्राइनेस नहीं लाते हैं। एंड जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन को ये बहुत मॉइस्चराइज रखते हैं, बहुत हाइड्रेट। ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई थी और डिफरेंट काइंड के फेस वॉश लगाने पर भी मेरी ड्राइनेस नहीं जाती, मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है और मैं किसी भी फेस वॉश से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये यूज़ करने के बाद मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ। ड्राई स्किन को ये बिल्कुल ड्राई कर, ऐसा नहीं है कि बहुत ऑयली कर देता है। इसे फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज्ड लगती है स्किन, लेकिन ऑयल ऑयल या ऐसा नहीं लगता है। किसी किसी फेस वॉश में ऐसा होता है जो ड्राई स्किन के लिए कि आपको ऑयली लगेगा या लगेगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से वो निकला नहीं है, इस तरह से फील होगा। लेकिन इसमें
बिल्कुल मॉइस्चराइज भी लगता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगता। ठीक इसी तरह जो ऑयली स्किन के लिए है उसमें वॉश कर उस फेस वॉश से वॉश करने के बाद भी आपको आप नेचुरल जो ऑयल है वो आपके वो नहीं निकालता है, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल देता है। नहीं तो जो ऑयली फेस वॉश है वो एक्स्ट्रा बहुत ऑयल निकाल देते हैं और आपको ड्राइनेस और वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन इस फेस वॉश की खासियत यही है कि ये एक्स्ट्रा ऑयल निकालता है लेकिन आपके जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। तो जिनको ऑयली स्किन वाले को पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो इसे यूज़ करें, पिंपल्स आने बंद हो जाएंगे। जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है वो इसे यूज़ करें, वो ड्राइनेस बहुत हद तक आपकी चली जाएगी। नॉर्मल स्किन के लिए भी है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है इसलिए मैं इसे आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। मेरा दूसरा प्रोडक्ट सेटाफिल का ही है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसका मॉइस्चराइजिंग लोशन भी आता है लेकिन मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिया है। दरअसल बहुत एक्सट्रीम ड्राई होने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो सेटाफिल का फेस वॉश आप यूज़ करने के बाद अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगाएंगे तो आपको उससे बेहतर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस क्रीम की खासियत ये है, मुझे जो लगी, मैं काफ़ी समय से यूज़ करती आ रही हूँ, तो इस क्रीम की खासियत मुझे ये लगी कि इसे लगाने के बाद आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है लेकिन ऑयली नहीं करता है। बाकी जो ड्राई स्किन के लिए हमारे जो क्रीम है या मॉइस्चराइज़र मार्केट में अवेलेबल है उसे लगाने के बाद ऑयल या ऐसे चिपचिपा सा कुछ लगता है, लेकिन इसे लगाने के बाद बिल्कुल हाइड्रेट कर देता है लेकिन ऑयली नहीं करता है। को हमें यूज़ कैसे करना है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर हम टिप से यूँ फेस पर लगा लेंगे एंड थोड़ी सी मसाज दे देंगे तो आपको स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही हाइड्रेट लगेगी। और इसकी पैकेजिंग जैसे हम देख रहे हैं ये प्लास्टिक के ट्यूब में है और ये भी बहुत ट्रेवल फ्रेंडली है, तो हम कहीं भी जाएं तो इसे पर्स में या सूटकेस में कहीं भी डालकर ले जा सकते हैं, इसे ले जाने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जिनका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो वो सेटाफिल क्लिंजर के साथ सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ करें। ये दोनों ही मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं, मेरी ड्राई स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ही इन्होंने लगभग ख़त्म कर दी है। तो आप लोग भी अगर ड्राई स्किन है तो ये यूज़ कर सकते हैं या और जिस टाइप की भी स्किन है आप सेटाफिल ब्रांड यूज़ करें तो आपके लिए आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके बाय। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और जल्द ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।